मैं अभिनंदन करता हूं दिल्ली नगर निगम का, जिन्होंने इस केशवपुरम नाम के क्षेत्र में, जिनके नाम से यह केशवपुरम बना, उस डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगा करके एक प्रकार से उस नाम को सार्थक किया है। यहाँ की उस हेडगेवार प्रतिमा समिति के ओर से सुरेश श्रीवास्तव यहाँ बोले, उन्होंने आपको इस बात का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से मैं एक बार यहाँ पर आया था एक किसी और कार्यक्रम के संदर्भ में, और तब जब मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब की एक प्रतिमा है, उसका नाम उसका फूलमालाएं चढ़ानी है, तो मैं जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन नहीं हो पाया। इसी कारण मेरे पास समिति की ओर से जब लोग आए और कहा कि हम एक आदमकद की प्रतिमा बना रहे हैं और उसका अनावरण करने के लिए आप आइए, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा जब भी आप तय कर ले। बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज यहाँ पर बुला करके मेरे हाथ से उस प्रतिमा का अनावरण करके यहाँ के लोगों ने और कॉरपोरेशन ने मेरा सम्मान किया है। वैसे बहुत लंबा भाषण करने का अवसर नहीं है, तो भी मैं अगर संक्षेप में कहूं तो मैं मानता हूं कि आधुनिक भारत में देश के सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए तीन महान आंदोलन हुए। एक आंदोलन स्वामी दयानंद जी ने शुरू किया आर्य समाज के नाम से, दूसरा आंदोलन श्री रामकृष्ण परमहंस ने शुरू किया रामकृष्ण मिशन के नाम से, तीसरा आंदोलन, मैं उसको आंदोलन कहता हूं केवल एक संगठन नहीं है, तीसरा आंदोलन शुरू किया डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से। ये तीनों आंदोलन भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए है, लेकिन अभ्युदय के साथ साथ तीनों के मन में भारत को स्वतंत्र बनाने की भी इच्छा थी, और इसीलिए जब डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो मैं कई बार उसको जोड़ता हूं स्वामी विवेकानंद जी के अंतिम शब्दों के साथ, क्योंकि मैंने जिन लोगों के नाम लिए उनमें सबसे पहले अगर किसी का, सभी का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन सबसे पहले 20वीं शताब्दी में किसी का स्वर्गवास हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ, 1902 में उनका स्वर्गवास हुआ, और वो अपने पूरे, उनका लंबा जीवन नहीं, उनको शायद उनकी आयु 39 की थी जब उनका देहांत हुआ, तो आखिर के दिनों में वो हमेशा कहा करते थे कि मेरा जो दुनिया भर का अनुभव है, और उस अनुभव के प्रकाश में जब भारत के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि दैट, अंग्रेजी में उन्होंने कहीं लिखा दैट इंडिया नीड्स अ मैन मेकिंग मशीनरी, भारत को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसका, जिसके द्वारा चरित्रवान, सामर्थ्यवान, देशभक्त मनुष्य तैयार हो, अ मैन मेकिंग मशीनरी विच कैन क्रिएट मैन विद अ कैपिटल एम, ये उन्होंने अंग्रेजी में कहा। मैं मानता हूं कि जो उन्होंने बात कही उसको किसी ने जमीन पर कार्यान्वित करने की कोशिश की तो
तो 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने करने की कोशिश की। जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण इसलिए किया ये कहकर के कि ऐसा संगठन हो कि जो नौजवानों को, युवकों को या बालकों को भी साथ लेकर के और उनमें चरित्र का निर्माण करे, उनमें अनुशासन का निर्माण करे, उनमें राष्ट्रभक्ति का निर्माण करे और इस प्रकार का एक जबरदस्त न्यूक्लियस बन जाए कि जो देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हो। मैं तो ये मानता हूं, राजनीति में तो मैं बाद में आया, लेकिन अगर जीवन भर किसी बात का मेरे ऊपर प्रभाव रहा तो वह डॉक्टर हेडगेवार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव रहा, क्योंकि 14 वर्ष की आयु में मैं संघ का स्वयंसेवक बना। कराची में था, सिंध में था और तब एक ही मन में इच्छा थी कि भारत स्वतंत्र कैसे हो। भारत स्वतंत्र हुआ जब मेरी आयु 20 साल की थी, 20 वर्ष की आयु में, और मैं उसके बाद के सारे घटनाक्रम को देखता आया हूं। और पिछले दिनों में मुझे याद है कि एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप इतनी इतनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और इस उम्र में करते हैं, कैसे कर पाते हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं मानता हूं कि मैं 14 वर्ष की आयु में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना तब एक वैचारिक परिवार का हिस्सा बन गया और आज इस उम्र में भी मैं मानता हूं कि मेरे दो परिवार हैं, एक मेरा व्यक्तिगत परिवार और एक मेरा वैचारिक परिवार, और दोनों परिवारों ने मुझे जीवन भर जितना स्नेह, जितना सम्मान, जितना सहयोग दिया है उसी के कारण मैं ये सब कुछ कर पाता हूं, उसी के कारण। तो आज जब मुझे डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बुलाया, मैंने कहा मेरा तो सौभाग्य हो गया, बहुत खुशी की बात है। और इतना ही कह सकता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार मैं पुस्तकें बहुत पढ़ता हूं, तो मुझे याद है कि जब मैं संसद में आया था तो उस समय एक हिंदी के उपन्यासकार राज्यसभा के सदस्य थे, भगवती चरण वर्मा, और भगवती चरण वर्मा की मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, उनमें से एक पुस्तक मुझे विशेष अच्छी लगी थी जिसका नाम था टेढ़े मेढ़े रास्ते। वह एक परिवार की कहानी थी जिस परिवार में कई भाई थे और उन्होंने अलग अलग ढंग से भारत देश की सेवा करने की कोशिश की। एक क्रांतिकारी बन गया, एक गांधी जी का अनुयायी बन गया, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी बन गया, एक ने अंग्रेजों की सेवा करते हुए भी इस प्रकार से कार्य करने की कोशिश की कि जिससे उसको लगता था कि मैं भी देश की सेवा कर रहा हूं, चाहे अंग्रेज की सेवा कर रहा हूं। तो जिसको उन्होंने कहा कि सभी रास्ते जो थे वो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, कोई बिल्कुल परफेक्ट रास्ता नहीं था, सब रास्ते अजमा करके उन्होंने सबका वर्णन किया और बहुत अच्छी कथा बनाई थी। और डॉक्टर हेडगेवार के जीवन को मैं देखता हूं तो लगता है कि वो भी कांग्रेस में थे और कांग्रेस में भी कोई सामान्य पद पर नहीं थे, विदर्भ कांग्रेस के सचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे। और पूर्व एक वक्ता ने बताया कि किस प्रकार से स्कूल में उन्होंने विद्रोह छात्रों में पैदा किया और वंदे मातरम कहलवाया, इसका भी वर्णन किया। आगे चल करके वे कलकत्ता गए और कलकत्ता में उन्होंने मेडिसिन पास की, तो उसी समय एक क्रांतिकारी संस्था थी वहां पर जिसका नाम था अनुशीलन समिति, उस अनुशीलन समिति के भी सदस्य बने। तो क्रांति का मार्ग भी, कांग्रेस का मार्ग भी,
स्कूल में भी विद्रोह भी, इन सब बातों को कर करा करके वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जरूरत इस बात की है कि जो कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की कि मनुष्य निर्माण करने का काम करना चाहिए, अगर मैं बचपन से लेकर के शिशुओं को युवकों को साथ लेकर के उनको योग्य संस्कार दूंगा कि जिससे उनके अंदर चरित्र निर्माण हो, उसके अंदर अनुशासन निर्माण हो, उनके अंदर देशभक्ति निर्माण हो, तो जो मनुष्य पैदा होंगे वे वास्तव में वैसे मनुष्य होंगे जैसी विवेकानंद जी ने कल्पना की कि मेन विथ अ कैपिटल एम, और उन्होंने करके दिखाया। मैं आज कहा करता हूं कि जितना कुछ हम सीखे हैं वो मूल रूप से वहीं से सीखे हैं, और आगे आकर के एक प्रकार से केवल शाखाओं के माध्यम से नहीं, लेकिन अनेक जो संस्थाएं बनी, राजनीतिक क्षेत्र में भी संस्था बनी, भारतीय जनसंघ बना, आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लिया, आदिवासियों की सेवा करने के लिए भी संस्थाएं बनी, स्वदेशी जागरण मंच बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बना, इतने सारे संगठन बने, तो फ्रॉम अ मैन मेकिंग मशीनरी इट लेड टू इंस्टीट्यूशंस विच बिकेम नेशन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। उन्हीं मनुष्यों ने ऐसी संस्थाएं बनाई जो संस्थाएं राष्ट्र निर्माण का कार्य करती रहे, इस प्रकार की स्थिति पैदा की, ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं तीन बड़े मूवमेंट्स की कल्पना करता हूं, को देखता हूं आधुनिक भारत के, जो कि चाहे जिनके संस्थापकों का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन 19वीं 20वीं और 21वीं शताब्दी को देश को प्रभावित करने वाली ये तीनों संस्थाएं रही, और वो उनमें से एक से हम में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आज यहाँ उपस्थित हैं हमारे यहाँ के सह संचालक श्याम जी भी यहाँ पर है, जिनको मैं वर्षों से जानता हूँ, और बहुत सारे लोग बैठे हैं मंच पर भी, सानी जी वगैरह मेरे पुराने साथी, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं, और यहाँ की कॉरपोरेशन का, उसके मेयर का, उनके सब पार्षदों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम बना करके और मुझे बुला करके मेरा सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।